आज हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर नंबर 3, बी पॉजिटिव सी पॉजिटिव। ये चैप्टर है मॉरल साइंस का। बी पॉजिटिव अगर हम इसको ऐसे लिखें बी ई, तो ये बी हो जाएगा और पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक, सकारात्मक रहिए। सी पॉजिटिव, सी का मतलब है एस डबल ई सी, और पॉजिटिव सकारात्मक, सकारात्मक रहिए, सकारात्मक देखिए। तो ये इसका उद्देश्य है। इस तरह से इस चैप्टर का मतलब है कि हमें सकारात्मक रहना है। नीचे लाइन है, ए नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू ए पॉजिटिव लाइफ। आपका माइंड नकारात्मक सोचता है, नकारात्मक देखता है, तो वो कभी भी आपको सकारात्मक जीवन जीने में हेल्प नहीं करेगा। सेल्फ चेक, योर पॉजिटिव एक्शंस कंबाइंड विद पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट इन सक्सेस। अगर आप सकारात्मक कार्य करना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होती है, और ऐसे में आपका रिजल्ट जो है सकारात्मक आता है, अच्छा आता है। वंस टू बॉयज वर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। एक बार की बात है, दो लड़के हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। साहिल हैज लॉस्ट हिज आई साइट इन एन एक्सीडेंट। साहिल नाम का जो लड़का होता है वो एक एक्सीडेंट में अपनी आँखों की रोशनी गवा बैठता है। तपन हैड बीन डायग्नोज्ड विथ कैंसर, और तपन नाम का जो लड़का होता है वो कैंसर से पीड़ित होता है, उसका कैंसर का इलाज चल रहा होता है। दे बोथ ले इन द सेम हॉस्पिटल्स वार्ड बाई ईच अदर साइड। दोनों के बेड एक ही वार्ड में, हॉस्पिटल के में आस पास में होते हैं, पड़ोस पड़ोस में होते हैं। तपन बाज एडिक्टेड टू सिट अप इन हिज बेड फॉर एन आवर इन आफ्टरनून। तपन की एक आदत होती है, दोपहर में वो लगभग एक घंटे के लिए उठकर बैठ जाता है। हिज बेड वॉज नेक्स्ट टू द विंडो। उसका जो बेड होता है वो विंडो के पास में होता है। द अदर बॉय साहिल स्पेंट ऑल हिज टाइम इन हिज बेड। जबकि साहिल नाम का जो लड़का होता है वो दिन भर बेड पे ही लेटा रहता है। ही डिड नॉट वांट टू मीट एनीवन। वो किसी से मिलना भी नहीं चाहता है। इवन ही डिड नॉट वांट टू टॉक, और वो किसी से बात भी नहीं करना चाहता है। स्लोली तपन गॉट साहिल टू बी फ्रेंड्स विद हिम। धीरे धीरे तपन कोशिश करता है और साहिल का दोस्त बन जाता है। द टू बॉयज बिगिन टू टॉक फॉर मैनी आवर्स। दोनों लड़के बहुत बहुत देर तक बातें करने लगते हैं। वट साहिल मोंड एंड क्राइड ऑल द टाइम। लेकिन साहिल हर समय रोता चिल्लाता रहता है। वन डे ही सेड ओ आई विल नेवर गेट ओके। एक दिन वो बोलता है, साहिल नाम का बच्चा जो होता है वो बोलता है कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगा। अनदर डे ही कंप्लेन माई पेरेंट्स डोंट लव मी एनी मोर टू। दूसरे दिन उसकी शिकायत होती है कि शायद मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते हैं। दे हैव फॉरगॉटन मी, इसीलिए वो मुझे भूल गए हैं। इट मस्ट बी बिकॉज आई हैव बिकम सो यूजलेस नाउ, क्योंकि अब मैं अंधा हो चुका हूँ, उनके काम का नहीं रहा हूँ। थर्ड डे ही हॉल्ड, तीसरे दिन वो जोर से चीखता है कि माई फ्रेंड लेफ्ट मी अलोन, मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए हैं। दे डोंट विजिट मी, वो मुझे देखने भी नहीं आते। आई हैव नो फ्रेंड्स। तपन कंसोल्ड हिम एवरी टाइम, और तपन क्या करता है उसको हर बार में धैर्य बनाता है, धीरज बनाता है। क्वाइटली एंड जेंटली, बड़े ही प्यार से, बड़े ही शांत स्वभाव से। समटाइम्स ही सेड, कभी कभी वो कहता है यू विल गेट ओके, अरे तुम ठीक हो जाओगे। जस्ट डू एज द डॉक्टर अंकल सेज, वैसा ही करो जैसा डॉक्टर अंकल आपसे कहते हैं। टेक योर मेडिसिन एंड बी पॉजिटिव, अपनी दवाइयाँ लेते रहो और सकारात्मक सोचो, अच्छा सोचो। अनदर डे ही सेड, दूसरे दिन को वो कहता है योर पेरेंट्स आर बिजी। तुम्हें पता है तुम्हारे मम्मी पापा बिजी हैं, दे गो टू ऑफिस, उन्हें ऑफिस जाना पड़ता है। ऑफ कोर्स दे लव यू, लेकिन वो तुम्हें प्यार तो करते हैं। एंड वेन साहिल कंप्लेंट अबाउट नॉट हैविंग फ्रेंड्स, और जब कभी साहिल उससे कहता है कि मेरे दोस्त भी नहीं है, तो तपन बोलते हैं एम आई नॉट योर फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। तपन सा दैट साहिल वॉज लूजिंग हिज सेल्फ एस्टीम। तपन को लगने लगा था कि
साहिल अपना आत्मसम्मान धीरे धीरे खोता जा रहा है। डे बाय डे दिन प्रतिदिन उसका आत्मसम्मान खो रहा है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू टेक मेडिसन, वो अब दवाइयाँ भी लेना नहीं चाहता है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू मीट एनीवन, किसी से मिलना भी नहीं चाहता है। ही ओनली क्राइड ऑल द टाइम, हमेशा रोता रहता है, हमेशा रोता रहता है। हर दोपहर के समय व्यन तपन कुड सिट अप, जब तपन बैठता है उठकर बाय द विंडो, विंडो के किनारे, विंडो के पास में, ही वुड पास द टाइम बाय डिस्क्राइबिंग टू द रूममेट ऑल द थिंग्स ही कुड सी आउटसाइड द विंडो। तो वो जो चीज़ें विंडो के बाहर देखता है उसे अपने दोस्त साहिल को भी बताता रहता है। स्लोली धीरे धीरे साहिल बिगिन टू लुक फॉरवर्ड टू दीज वन आवर पीरियड व्हेन हिज वर्ल्ड स्लोली वर्ल्ड वुड बी एनलिवेंड बाई तपन्स डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद धीरे धीरे वो भी इंटरेस्ट लेने लगता है, हालांकि वो देख नहीं पाता लेकिन खिड़की की तरफ वो भी देखने की कोशिश करता रहता है। और उसका जो दुनिया, जो अंधेरी दुनिया थी, उसमें कहीं ना कहीं जीवन आने लगता है, कहीं ना कहीं उसे अच्छा लगने लगता है। तपन्स डिस्क्रिप्शन, तपन के डिस्क्रिप्शन को, वर्णन को सुनते सुनते, अबाउट ऑल द एक्टिविटीज़ एंड कलर्स ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड, और जो बाहर के रंग हैं, बाहर की दुनिया है, बाहर की एक्टिविटीज़ हैं, उनमें वो इंटरेस्ट लेने लगता है। वन डे तपन सेड आउटसाइड देयर इज़ अ पार्क विद ए लवली लेक, एक दिन तपन साहिल को बताता है कि भाई साहिल, बाहर एक बहुत सुंदर सा पार्क है और वहाँ पर उस पार्क में एक सुंदर सी झील बनी हुई है। डक्स एंड स्वान्स आर प्लेइंग इन द वाटर, उसमें बत्तख और हंस तैर रहे हैं। वाइल चिल्ड्रन आर सेलिंग इन देयर बोट्स, और वहाँ पर जो बच्चे हैं वो नाव चला रहे हैं। देयर आर फ्लावर्स ऑफ एवरी कलर, वहाँ पर फूल भी हैं हर तरह के, रंग बिरंगे। ओ आई कैन सी मैनी पीपल कमिंग टू वार्ड्स द हॉस्पिटल, अरे वाह, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल की तरफ आ रहे हैं। एज तपन डिस्क्राइब्ड ऑल दिस इन एक्सक्विटाइट डिटेल, जब तपन इस तरह से एक अच्छे ढंग से वो वर्णन सुना रहा हो, साहिल ऑन द अदर साइड ऑफ द वेट बोर्ड क्लोज हिज आइज एंड इमेजिन द सीन, तो उस समय साहिल महसूस कर रहा होता है उन सारे दृश्य को अपने अंदर, कि वो भी देख रहा है। एनी हाउ डेज एंड वीक्स पास्ट दिस वे, इस तरह से दिन, सप्ताह और महीने गुजरते चले जाते हैं। समटाइम्स तपन सेड टू साहिल दैट हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग इन द पार्क एंड बेबिंग देयर वेल विशेस अबाउट हिम, कभी कभी तपन उसको समझाने की कोशिश करता है साहिल को, और बोलता है साहिल, तुम्हारे दोस्त बाहर खेल रहे हैं पार्क में और वो तुम्हारी तरफ हाथ हिलाकर तुम्हारी स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। अदर टाइम्स ही गेव हिम फ्लावर्स एंड गिफ्ट सेइंग दैट हिज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हैव लेफ्ट देम बिहाइंड व्हेन ही हैड गॉन फॉर द रूटीन चेकअप, फिर कभी कभी वो बताते हैं साहिल को, तपन बताते हैं कि ये लो कुछ फूल हैं, ये लो कुछ गिफ्ट हैं, और ये आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार और आपके फ्रेंड्स आपको दे कर गए हैं, लेकिन जब वो देने आए थे तो आप यहाँ पर नहीं थे क्योंकि आप चेकअप के लिए गए हुए थे। इस तरह से वो कुछ ना कुछ उन्हें समझाते रहते हैं। साहिल कुड नॉट सी एनीथिंग एंड एनी वन, साहिल तो बेचारा कुछ देख ही नहीं पाता है, ना ही कोई किसी व्यक्ति को देख पाता है। तपन वाज ऑल्सो ए गुड मिमिक, इसीलिए तपन क्या करता है, उसे अच्छी सी मिमिक्री आती है। मिमिक का मतलब होता है दूसरों की आवाज़ निकालना। ही इमिटेटेड इन डिफरेंट वॉइसेस, वो बड़े अच्छे से कॉपी करता है दूसरे लोगों की आवाज़ें, दूसरी चीज़ों की आवाज़ें निकालता है। प्रीटेंडिंग कमिंग फ्रॉम हिज विंडो, और ऐसे करके दिखाता है जैसे ये आवाज़ें खिड़की के बाहर से आ रही हों। सो दैट साहिल वुड फील, और साहिल महसूस करता है कि वाकई कुछ आवाज़ें खिड़की से आ रही हैं। ही हैड लॉट्स ऑफ द विजिटर्स एंड पीपल हु लव हिम, और वो ये बताने की कोशिश करता है और कामयाब हो जाता है ये बताने में कि बहुत सारे विजिटर्स, मिलने वाले बहुत सारे लोग उसको प्यार करते हैं जो उसे देखने आते हैं। साहिल्स आई ऑपरेशन वॉज सून शेड्यूल्ड
एंड इट वेंट ऑफ वेल। अब साहिल के ऑपरेशन की तैयारियों का दिन आ गया और ऑपरेशन होना था। ऊपर वाले का रहमो करम है, कृपा है कि उसका ऑपरेशन ठीक से निपट गया। आफ्टर द ऑपरेशन साहिल वॉज ब्रॉट बैक टू हिज वार्ड। जब उसका ऑपरेशन हो गया तो वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया और उसी वार्ड में जहाँ पर उसका बेड था उस वार्ड में उस बेड पर लेकर आया गया। ही कॉल्ड आउट टू हिज फ्रेंड तपन। तपन और उसकी आँखों पर चूँकि पट्टी बंधी हुई है तो अभी भी देख नहीं पा रहा है, तो वो कहता है तपन तपन। द नर्स इन्फॉर्म्ड हिम दैट तपन हैड बीन शिफ्टेड टू द ICU। नर्स जो होती हैं वहाँ पर वो बताती हैं कि तपन को ICU वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, वो अब आपके पास में उनका बिस्तर नहीं है। साहिल गॉट सैड। साहिल को बड़ा दुख होता है। व्हाट ही वाज एक्साइटेड एज वेल। लेकिन वो खुश इस बात से भी था क्योंकि आज उसकी आंखों का ऑपरेशन हो चुका था और वो अब सब चीज़ें देख पाएगा, तो ये खुशी थी। और दुख इस बात का था कि इस समय वहाँ पर तपन नहीं था। डॉक्टर अंकल वुड रिमूव हिज बैंडेज दैट आफ्टरनून। और आज दोपहर में डॉक्टर अंकल उनके आंखों की जो पट्टी हैं जो ऑपरेशन के बाद बांधी गई हैं उनको हटा देंगे। देन ही कुड सी हिज फ्रेंड्स रिलेटिव एंड पेरेंट्स अगेन। फिर वो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मम्मी पापा को फिर से देख पाएगा। ही रिक्वेस्टेड द नर्स टू अलाउ हिम टू लाई डाउन इन तपन्स बेड नियर द विंडो। और कहता है नर्स से कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जिस बेड पर तपन लेटे थे उस बेड पर मुझे लिटा देना, मैं खिड़की के पास लेटना चाहता हूँ ताकि बाहर का नज़ारा देख सकूँ। शी डिड एज रिक्वेस्टेड। और वो भी उसकी रिक्वेस्ट के अनुसार वैसा ही करती है, उसे खिड़की वाले बेड पर लिटा देती है। द डॉक्टर केम एंड रिमूव्ड साहिल बैंडेज। डॉक्टर आते हैं, साहिल का बैंडेज जो पट्टी बंधी होती है आँखों पर उसको हटा देते हैं, खोल देते हैं। स्लोली साहिल ओपन हिज आईज। धीरे धीरे साहिल अपनी आँखें खोलता है। ही गॉट डिलाइटेड। और वो बहुत खुश हो जाता है। एज ही कुड सी द वर्ल्ड अराउंड नाउ। अब अपने आस पास की दुनिया को वो खूब अच्छे से देख सकता है। अ मिनट लेटर, एक मिनट के बाद ही पॉप्ड हिमसेल्फ अप ऑन वन एल्बो टू टेक हिज फर्स्ट लुक एट द वर्ल्ड आउटसाइड आफ्टर सो मैनी वीक्स। कई सप्ताह से उसको देखने को नहीं मिल रहा था, उसकी आँखों की रोशनी जा चुकी थी, तो वो खुशी से कूदता है, उछलता है और विंडो से झांकने की कोशिश करता है ताकि उसको दुनिया की अच्छी चीज़ें दिखाई दे सकें। वाट ही सा वाज अ ब्लैंक वॉल। लेकिन ये क्या, वहाँ तो सिर्फ खिड़की के बाहर एक दीवार खड़ी हुई है। ही आस्क्ड द नर्स। वो नर्स से कहता है देयर इज जस्ट ए वॉल आउटसाइड। यहाँ तो केवल एक दीवार है। वेयर इज द लेक, द डक्स, द किड्स प्लेइंग। लेकिन यहाँ तो झील थी, कहाँ गई झील? यहाँ तो बतके थीं, कहाँ गई बत्तख? कहाँ बच्चे खेल रहे हैं? द नर्स वॉज पजल्ड विद साहिल्स क्वेश्चन। नर्स आश्चर्य में पड़ जाती है कि ये क्या कह रहे हैं, और साहिल का क्वेश्चन वो समझ नहीं पाती। साहिल एक्सप्लेन दैट तपन ऑलवेज स्पोक ऑफ सच वंडरफुल थिंग। तो वो बताता है मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि साहिल मुझे यहाँ लेटकर या बैठकर सब चीज़ें बताया करता था। सॉरी, तपन मुझे यहाँ पर बैठकर सारी चीज़ें बताया करता था कि यहाँ पार्क है, यहाँ झील है और अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। वेटिंग टू ग्रीट हिम। व्हाट, व्हाई डिड यू थिंक ही डिड दैट। फिर वो सोचने लगता है और फिर कहता है आखिर वो मुझसे झूठ क्यों बोला होगा, ऐसा उसने क्यों किया होगा। एट लास्ट आस्क द नर्स। और वो नर्स से ये बात पूछता है। द नर्स रिप्लाइड विद ए स्माइल। और नर्स मुस्कुराते हुए उससे कहती है परहैप्स ही जस्ट वांटेड टू एनकरेज यू। शायद वो, शायद तपन तुमको उत्साहित करना चाहते थे, एनकरेज करना चाहते थे। यू एंड हेल्प यू गेट बैक योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बना रहे और तुम अच्छे से ठीक हो जाओ। तो ये थी एक सुंदर सी कहानी। थैंक यू, दैट्स ऑल।